इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों का आग़ज़ कर दिया ईरान के दारालकूमत तेहरान में सात धमाके सुने गए ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी इसराइली एयरफोर्स का कहना है कि इसके जंगी तैयारों ने ईरान की फिजाई हदूद में 20 से जायद अहदाफ़ को निशाना बनाया जिनमें मीज़ाइल सास तनसीबा ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मीज़ाइल और दीगर फ़जाई सिस्टम्स शामिल थे कई घंटों तक जारी रहने वाला ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद पहुंचकर कर इसराइली तैयारे बिफ़ाजत एयर बेसिस वापस पहुंच गए अमरीकी मीडिया के मुताबिक यकम अक्टूबर को इसराइल पर ईरान की जानब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के बाद अब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का अगज कर दिया है ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी दारुल दारकूमत के मग़रब में सात धमाके सुने गए हैं जबकि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है शामी मीडिया का कहना है कि दमिश्क और होम्स में भी कई धमाके सुने गए हैं जबकि शामी फ़िज़ाइया मिजाइलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ अमल है इसके अलावा इराकी शहरों दियाला और सलाह अल्दीन में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है सहयूनी फ़ौजी हुक्काम के मुताबिक तहरान हुकूमत की तरफ से इसराइल पर हमलों के जवाब में ईरान के कई इलाकों में फ़ौजी मकामा को मीज़ाइलों से निशाना बनाया गया कई इमारतों में आग लग गई जिनमें से एक इमारत से दस अफराद को निकाल लिया गया इसराइल के वजीर दिफा ने इस हफ़्ते कहा था कि दुश्मनों को इसराइल को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान में धमाके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की सरगर्मियों के बायस हैं मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट्स पर हाल मामूल के मुताबिक है जबकि ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फारिस का कहना था कि इसराइल ने तहरान के मगरब और जुनूब मगरब में कई फौजी अड्डों को निशाना बनाया है दूसरी जानब अमरीका ने ईरान पर इसराइली हमलों से लातालुकी का ऐलान कर दिया वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है ताहम ईरान पर इसराइली हमलों से हैं और सूरतहाल पर गहरी नज़र है जबकि वाइट हाउस सीन ने ईरान पर इसराइल के हमले को तुल अबीब की जानब से अपने दिफा की मश्क करार दे दिया व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान शान सीवत का कहना है कि हम समझते हैं कि इसराइल अपने दिफाई मशक के तौर पर और यकुम अक्तूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी फ़ौजी तनसीबत के ख़िलाफ़ टारगेटेड हमले कर रहा है ईरान पर हमलों से पहले अमरीकी सदर बाइडन को मुमकिन कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था याद रहे कि यकुम अक्तूबर को ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मीजाइल दागे थे जिसकी इसराइली हुकाम ने तस्दीक भी कर दी थी